Assalamu alaikum. Hi everyone, how are you all? I hope you will be fine by the grace of God. Welcome to my channel teaching with Ms. Zoyali. Dear students, today's first topic and first lecture is definition of grammar. What is grammar? Language definition. Kinds of language. Letter definition. Alphabet definition. Kinds of alphabet. What is sentence? What is words? Definition with examples. ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट लेक्चर इज डेफिनेशन ऑफ ग्रामर वाट इज ग्रामर आई मी नॉट स्टडी ऑफ ग्रामर डेफिनेशन फ्राम डिफरेंट रिसोर्स राइट वाट इज ग्रामर ग्रामर क्या है ग्रामर किसे कहते हैं ग्रामर से क्या मुराद है ग्रामर के क्या मायने हैं राइट ग्रामर की ये एक्चुअल बेस है बुनियाद है हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्रामर क्या है राइट right? ग्रामर किसे कहते हैं ग्रामर से क्या मुराद है ग्रामर के क्या मायने हैं इंग्लिश ग्रामर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रामर को अंडरस्टैंड करना होगा राइट स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ ग्रामर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट रीड स्पीक एंड इवन लिसन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्रामर राइट किसी भी जबान को लिखने पढ़ने राइट, बोलने हती के सुनने के कवानी या असूलों को ग्रामर कहते हैं राइट ग्रामर इज़ अ मेथड डेट टेल द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर के कवायद उसूल जो आपको बताते हैं कि जब आप बात करें या लिखें तो लफ्ज़ों को किस तरह से तरतीब दें राइट ऑल फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड्स ग्रामायर Right with the passage of time, the word grammar enter into all French language by the name of grammar. Right, all French words, language words, grammar, enter into old English. Right, and grammar change and convert into words grammar. Okay, grammar spelling, G-R-A-M-A-I-R-E, Right. I hope you understand that. वॉट इज ग्रामर एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रामर सेकेंड डेफिनेशन इज लैंग्वेज डेफिनेशन, राइट जबान वो अल्फाज जो लोग बोलते और लिखते हैं लैंग्वेज इस मीन्स बाय विच पर्सन शेयर हिस्सा एंड फीलिंग्स टू अनादर पर्सन, राइट जबान लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग यही है कि एक शख्स दूसरे शख्स से अपनी सोच अपनी फीलिंग्स को किस तरह से शेयर करता है राइट काइंड ऑफ लैंग्वेज ओके लैंग्वेज की एक्साम जबान की एक्साम फर्स्ट औरल लैंग्वेज राइट सेकेंड रिटर्न लैंग्वेज थर्ड साइन लैंग्वेज औरल लैंग्वेज राइट वर्बल लैंग्वेज जबानी तौर पर जो सिर्फ कही गई हो लिखी ना गई हो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट इन इंग्लिश अंग्रेजी का जबानी इम्तिहान राइट रिटर्न लैंग्वेज लिखना हरूफी अल्फाज लिखना राइट रिटर्न लैंग्वेज के थ्रू भी साइन लैंग्वेज कोई निशान या शिकल या हरकत या इशारा फॉर एग्जाम्पल आई पुट अप आई पुट अप माई हैंड एज अ साइन फॉर हेम टू स्टॉप मैंने अपना हाथ उठाकर इसे रुक जाने का इशारा दिया राइट काइंड ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज के थ्रू भी रिटर्न लैंग्वेज थ्रू साइन लैंग्वेज थ्रू ओके नेक्स्ट लेटर डेफिनेशन अ स्मॉलेस्ट सांट of any language which cannot be divided and other parts is called letter right a b c d this letter a this letter b this letter c this letter d right next definition alphabet definition definition a systematic table of letters is called alphabet right systematic table of letters कॉल्ड अल्फ़ाबेट राइट सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर क्या कहलाता है अल्फ़ाबेट कहलाता है अंग्रेज़ी के हरफ तहची अल्फ़ाबेट की कुल तादाद राइट right? ट्वेंटी सिक्स हैं जो कि मंदरजा झेल हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड राइट जिस तरह से फूल फूलों की एक माला होती है इसी तरह से अल्फ़ाबेट की माला ठीक है अल्फ़ाबेट्स ऑफ गार्डलैंड होती है राइट अल्फ़ाबेट्स की भी माला होती है लेटर्स ऑफ गार्ड्स ठीक है गार्लैंड माला राइट यू you नो know, अल्फ़ाबेट्स ऑफ गार्ड्स या लेटर्स ऑफ गार्लैंड काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हर्फ तहची की इकसाम राइट अंग्रेजी के हर्फ तहची को दो तो हिस्सों में तकसीम किया गया है Number one, vowel, right. Number two, consonant. In English, there are five vowels A, E, I, O, U, right. Consonant, all apart from A, E, I, O, U, right. Okay. Next definition, sentence definition. A systematic group of words which gives a complete sense is called sentence. ए सिस्टमेटिक ऑफ़ वर्ड्स राइट विच आर कम्प्लीट सेंस जो कि कम्प्लीट सेंस डे वो क्या कहलाता है सेंटेंस कहलाता है मुख्तलिफ अलफ के मजमू का नाम जुमला है राइट फॉर एग्जाम्पल अलीजा टीचर ओके कम्प्लीट सेंस दे रहा है तो क्या बन गया आपका सेंटेंस राइट विच गि कम्प्लीट सेंस स्कॉल्ट सेंटेंस नंबर टू एग्जाम्पल देखें शी इज अड कैल्स राइट which gives a complete sense is called sentence i write a letter write complete sense is called sentence this is my book complete sense is called sentence jazz is a good boy complete sense is called sentence next definition word definition right a systematic group of letter which gives a complete sense is called word for example right इस सिस्टमेटिक ग्रुप्स ऑफ लेटर्स का व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस जो कि कंप्लीट सेंस दे वो क्या कहलाता है वर्ड्स कहलाता है दो या दो से जायद huruf मिलकर एक लफ्स बनाते हैं जो बा मायने होता है फॉर एग्जांपल कैट राइट कैट थ्री लेटर से मिलके राइट right, ये एक वर्ड्स बन रहा है कंप्लीट सेंस दे रहा है ओके सी ए टी कैट्स थ्री लेटर्स से मिलके एक वर्ड्स बन रहा है जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा है इस कॉल्ड वर्ड, राइट अब आप इसको अपोजिट करके देखें तो टी ए सी राइट तो ये कोई वर्ड्स नहीं होगा आपका और ना ही एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ना ही एक कंप्लीट वर्ड है ओके एक्चुअल वर्ड्स क्या है आपका सी ए टी कैट राइट जो कि कंप्लीट साइंस भी दे रहा है आपको एक कंप्लीट वर्ड भी दे रहा है राइट स्कॉल्ड वर्ड सेकेंड एग्जाम्पल देखें फ्लावर राइट वन लेटर टू लेटर थ्री लेटर फोर फाइव सिक्स सिक्स लेटर से मिलकर ठीक है ये एक वर्ड्स बन रहा है एक कंप्लीट सेंस दे रहा है राइट इस कॉल वर्ड्स एंड देन अगर आप इसको पॉजिट करके देखेंगे आर ई डब्ल्यू ओ एल एफ नॉट दिस इज नॉट वर्ड राइट ना ही एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ना ही ये कोई वर्ड्स बन रहा है सो एक्चुअल वर्ड इज फ्लावर राइट right? एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और एक कंप्लीट वर्ड भी आपको दे रहा है इस कॉल्ड वर्ड सिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन इज कंप्लीट राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इनशाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी सी यू बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़